हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और अभी सो रहे हैं बच्चे, ये देखो उठे ना कोई सा भी, लेकिन ये उठाने हैं। और आज है कनक का जन्मदिन, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। और यह बहुत सारी उम्मीद कर रही थी मारते हैं कि न्यू करेंगे न्यू करेंगे, और इस तो यूं कह रखी है कुछ ना करें हम, सरप्राइज देंगे इस तो जो भी कुछ करेंगे। चाय बना लिया हूँ मैं। ये देखो चाय बना लिया बननी हूँ में तो मैं, दरकार ही थी, बस छान कर लिया है छाने के तो नहीं, बना बना लिया। ही ये बना देखो है। चाय देख लो, चाय जूठे पियो भाई सब। कति ठीक है जूठे ठीक है, चाय सही जूठे हो ना चाय पियो आप। आप, बना कर लाए हो। और ये तो मैं ठीक है। बना मैं बननी रख आई थी भी, मन सोचे फिर मकाले में कनक लोग शूट हैप्पी कर बर्थडे लेंगे। टू यू, काकू हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले पापा ने कहा हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी यू, बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे टू यू। यू। उठ उठो ले बेटी, उठ जा, बिस्किट ले उठ उठे नमकीन गई लगे। भाई, चाय के साथ ही उठ जा, आराम हो गया तेरा भी। इसका जुकाम सा भी हो रहा था भाई, गले में दर्द हो रहा था, नमकीन बिस्कुट कहाँ शाम रखे ने दवाई दी लगा के लेकर आई थी उसने। मैं बेटी? चाय पीनी है? अपना दक्ष ने पी भी उठा दो, बनाई थी मैंने आज इनकी, क्योंकि हल्की सी चाय ले लेगी ना तो गले में थोड़ा आराम हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, दांत से बोल दे। ले बेटी चाय पी जा, थोड़ा बढ़िया पत वो अदरक इसके डाल ऊपर ऐसे मत करो, हाथ दो। मार दिया खंडा देगा ये दक्ष। ले भाई यहाँ पी अरे बोल भाई दे। मेरा देखो सारा घर इस्त्रिया फैलिया पड़या है, ये प्रेस के कपड़े हैप्पी प्रेस कर कर रखे, प्रेस भी अड़े बर्थडे धरी है क्योंकि शाम ना करी थी। अरे ये देखो कपड़े फूल वगैरह लगाने ते ही साड़ी गिर रखी है, इस तरिया पड़ी है। इब्बे साफ सफाई होगी जब होगा, क्योंकि बस इब्बे उठे हैं, चाय वगैरह बनाई है और उठ के काम में लग गए बस करण। अरे मैं बनाऊंगी रोटी वगैरह, क्योंकि बच्चे आज स्कूल में भी जाएंगे, छुट्टी भी ना आज। स्कूल में जाना है ठीक है। आज के दिन मुझे कॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। के कनक के सोचो मैस करो, गैस करा हमने के पता। इटली बढ़िया है, तेरे ताई ने पार्टी कर दी तेरी। खाई आज तक? मैंने खा रखी है, खाई होंगी तेरे कद मेरे दोस्त ले आया करें। अच्छा हमने तो खैर ना खाई। चेक कर लियो, चेक ना करी तो। हाँ तो इब्बा बनाई होगी ना बस उन्होंने। एक और आते हैं इनके साथ हुए खाने के, ये खाली हुए एक भी है। हैप्पी बर्थडे करना, थैंक यू। आई फॉरगेट खाली जा खोल दे, मैंने तेरा स्टेटस देखा हूँ, आज तक कनक का बर्थडे है भाई। हाँ आज का बर्थडे है। आपने भी पहली बार खाया है? ये हमने डिश खाई है, थोड़ी अजीब सी है ये। हमने कार्टून में सुने थे इनके नाम ना, मैंने सुन तो रखे है इडली डोसा सांबर ये सारी चीज सुन रखी हमने, लेकिन इडली बना के ना खाई। डोसा तो मैंने बहुत बार खाया, डोसा तो मैंने भी खा लिया, ये इडली आज पहली बार खाई है। बनाना हमने चाहिए था, आज ताई ने बना दिया, ताई ने पार्टी कर दिया। हमने आज कुछ ना बनाया ऐसा खास ना, तो हर बार मम्मी ना स्कूल में जाना था कनक ने, तो जल्दी जल्दी भाई बनाना पड़ा। और ये भी इस टाइम इसका पापा चला गया और इस टाइम हम खाओ भी कम में हैं, और फिर सुबह सब्जी वगैरह बन गई थी, फिर मकावा वेस्ट जा गई, इसीलिए हमने आज बस हमने रसगुल्ले वगैरह मंगा दिए थे कनक के स्कूल में, ले गई थी बाटन थे कुछ घर पे रख लिए थे, घर का भी ले आए थे एक डिब्बा अलग से खान वान का, और इसका केक मंगा दिया बस यो कर था हमने आज। केक मंगा दिया छुप के, ना पता था वो इस बारे में सरप्राइज था यो, लेकिन ये पता चल गया वीडियो में।
चलो कुछ तो फायदा हुआ। इस टाइम ना मना कर रखे जब का इनके बार कुछ ना करे। कुछ तो फायदा हुआ वीडियो बनाने का। हमारे पड़ोस में ना कई बच्चा का और भी है बर्थडे, एक तो बिल्कुल यहाँ पे सामने ही है, कनक तो बड़ा है वो लड़का, एक साल उसका है आज 30 तारीख का बर्थडे, और एक यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है होगी नौ दस इशू ना, हाँ एक उसका है, एक मेरी क्लास, एक मेरा क्लासमेट का भी है बर्थडे आज, बहुत सारे के आज का है यहाँ पे भी गाँव में भी आज। मैडम भी वे मंगाओ थे, फिर मैंने सोचा फिर वो होम डिलीवरी दे के जा अगर भाई केक वाला, तो इसलिए मैंने भी आज मंगा लिया था। हमारी पीटी टीचर भी कहती थी कि ये त्योहार की स्टार्टिंग हो गई, आज तो बहुत मिठाई खाने मिली। मम्मी हर बार ना खीर हलवा पूरी सब्जी बनाया कर, अब की बार को ना बताई बताइयो अब की बार कुछ ना बना पाया। क्योंकि अब की बार करवा चौथ बिल्कुल पास है 2 दिन बाद, और वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, मम्मी भी क्या कर रहे हैं, बाहर भी ना जा पाई। कनक का जन्मदिन वैसे पड़ा है त्योहार के कति बीच में पड़ा हुआ, हाँ 2017 में दिवाली वाले दिन था मेरा, बट फिर भी मैं खुश हूँ, मम्मी ने सरप्राइज तो दिया। हाँ केक कटिंग वगैरह कर ली थी भाई, और सारा काम निमट गया, सब चले गए हैं। केक आए पीछे प्रोग्राम बनाया था, कनक बोली फिर केक लेके आए हो तो मैं अपनी फ्रेंडा ने बुला लूँ एक आदि ने जो पड़ोस में है, और तो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, और अंधेरा भी हो जाए अभी कोई ना दिखता, लड़की वगैरह है ना अंधेरे में, तो इसलिए जो नज़दीक थे एक दो वे बुला ली थी और केक कटिंग कर ली थी, और इसकी चाचे रागी थी, और ये आस पड़ोस के बच्चे आ गए थे 2-4, तो अपना मना लिया भाई जन्मदिन। और इसके पापा जा रहे हैं ड्यूटी तो वो आओगे लेट, तो इसीलिए वो आपने दिखाई नहीं दी वीडियो में, जोत जात भी लगा ली हमने, सारे काम कर लिए, और बस ये खुश होगी होगी खुश होगी। स्कूल में भी पार्टी दे दी, और पेड़ लगाने का आइडिया दिया था एक फ्रेंड ने,
तो पेड़ लगाई, ताई तो मैंने पेड़ दे दिए तुलसी के, वो भी हो गया। और गड़ोई का था वो भी हो गया, और पक्षिया थी दाने भी डाल आए। हाँ, गड़ोई पे भी जोत लगाने गई थी कनक, लेकिन फोन नहीं लेकर गई वहां पे, तो इसलिए वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि मैं दुकान में बैठी थी और फिर किसी कस्टमर वगैरह का भी फोन वगैरह आ जा भाई कई बार, तो इसलिए फोन नहीं लेकर गई थी। ये दोनों बहन भाई गए थे, क्योंकि मैं दुकान बंद नहीं करके जा सकती, शॉप में भी जरूरी चाहिए था कोई ना कोई, और सुबह स्कूल की जल्दी थी तो सुबह वैसे नहीं जा पाई थी। तो दादा बुढ़े पे भी रोक मारनी जरूरी हो है, और रसूल्या का प्रसाद चढ़ाई थी और अपने जोत वगैरह लगाई थी, थी, थी और स्कूल में भी रसगुल्ले बटकाई थी आज टॉफिया की जगह। पहले तो जैसे छुट्टी थी जब तो टॉफिया के पैकेट वगैरह इस तरिया ले जाया करती, खान पीन का और खिला दिया थे बच्चे ना आपस में। इब की बार यह सोच कर गई थी अगर इब की बार मैं मिठाई लेकर जाऊंगी, तो इसका पापा ने कल ले आकर दे दिए थे डिब्बे, शाम ने ही ले दिए थे अभी सुबह, क्योंकि इतना टाइम ना होता ना ले आने कार करने का, सुबह जल्दबाजी रहे। अभी ईसा छोटा सा जन्मदिन मना लिया अपने घर में, सेलिब्रेट कर लिया। कनक का वैसे आता आवे बस इन दिनों में है, थोड़ा सा जल्दबाजी सी रहा करे। पापा होते तो बाकी अच्छा रहता ना। हाँ, न्यू तो है ही। तो भाई वा होगा पानी, और मैं पानी भरूंगी फिर। पिछली बार पापा जब केक कटिंग करा के गए थे